हेलो एवरीवन, दिस इज समीर। आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ जो कि जो आपको एडमिशन प्रोसेस में लगने वाले, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SBC, OBC, ST, NT, VJ, कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है लगने वाले आपके एडमिशन प्रोसेस में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आज के इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, इवन पेरेंट्स को भी जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता नहीं रहता है। देखो, अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपने एक भी डॉक्यूमेंट मिस किया तो आपको जो है कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। लास्ट ईयर का एक केस मैं आपको बताता हूँ। एक स्टूडेंट था, OBC कैटेगरी का स्टूडेंट था, उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट था, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट था, बट उसका एडमिशन जो है ओपन कैटेगरी में हो गया क्योंकि उसके पास जो है NCL सर्टिफिकेट नहीं था। लास्ट मोमेंट में उसने जो है NCL सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था, बट NCL सर्टिफिकेट जो उसको नहीं मिल पाया। देन उसके बाद जो उसका एडमिशन ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया। अभी जहां पे जो उसको 70-80,000 रुपीस पर ईयर की इंजीनियरिंग की फीस पे करनी थी, अब उसको जो है 1.5 लाख फीस पे करनी होती है। अब 4 साल में उसकी टोटल फीस कितनी हो गई, 6-7 लाख रुपीस आपको जो है इंजीनियरिंग की फीस भरनी होती है। अब उसको उस टाइम पे अगर उसने NCL सर्टिफिकेट बनाया होता तो उसकी 4 साल की इंजीनियरिंग की फीस जो है अराउंड 3 लाख-3.5 लाख होती। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है एडमिशन से रिलेटेड, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करते रहूंगा। आप मेक श्योर कीजिए कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले, ऑटोनॉमस कॉलेज क्या होता है, नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज क्या होता है, ब्रांच सिलेक्शन के टाइम पे आपको कौन कौन सी बातों पर जो है ध्यान देना है, कॉलेज सिलेक्शन के टाइम पे आपको कौन कौन से फैक्टर्स पे जो है ध्यान देना है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको इस चैनल के थ्रू बताने वाला हूँ। तो आप मेक श्योर कीजिए कि चैनल को जो है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलो आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते। यहाँ पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। उसमें से पहला जो डॉक्यूमेंट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों में से जो है कोई भी चल जाएगा। सेकंड जो है अपडेटेड आधार कार्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के आधार कार्ड में जो है या तो सरनेम में स्पेलिंग में मिस्टेक होगी, या नेम में मिस्टेक होगी, या फिर डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक होगी, या फिर एड्रेस में मिस्टेक होगा। ये सारी मिस्टेक जो आपको अपडेट करा लेना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, अब जब आधार कार्ड अपडेट कराने जाओगे, आपको जो है आपका मोबाइल नंबर लिंक करवाना होगा। अभी मोबाइल नंबर लिंक करवाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जब आपकी जो स्कॉलरशिप की अमाउंट आएगी वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगी, एंड वो जो बैंक अकाउंट में आप आधार कार्ड के नंबर जो लिंक करोगे, वही नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक होना चाहिए। तो अभी जो भी नंबर आप लिंक करवाने जाओगे, वही नंबर से जो आपको बैंक अकाउंट भी खुलवाना रहेगा। तो अभी मेक श्योर कीजिए कि आप जो अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लीजिए। अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप जो जितना जल्दी हो सकता है उसको जो है करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट जो है MSTCT JEE NEET, अगर आपने JEE NEET दिया होगा तो उसका भी रिजल्ट लगेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है, देखो स्टूडेंट्स, आप 12th का मार्कशीट एंड बोथ सर्टिफिकेट। मार्कशीट और बोथ सर्टिफिकेट दोनों जो है डिफरेंट है। देखो स्टूडेंट, मार्कशीट जो है जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं वैसे आपको मार्कशीट मिल जाती है, बट बोथ सर्टिफिकेट जो है आपको 2 से 3 महीने के बाद कॉलेज जाके आपको रिसीव करना होता है। वैसे 10th का भी मार्कशीट एंड बोथ सर्टिफिकेट लगेगा, एंड स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ये जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, ये सारे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए लगने वाले ये सारे डॉक्यूमेंट्स। अभी हम कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं, उसमें भी जो है ओबीसी एंड एसबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहला तो जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, एंड सेकेंड जो है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा। अभी सभी स्टूडेंट्स के पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट इजीली अवेलेबल हो जाता है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास जो है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं हो पाता है। अभी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट देखो स्टूडेंट्स, आपको तहसीलदार ऑफिस में जाके बनवाना होता है, एंड ये मैक्सिमम 40 डेज में बन जाता है। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो है 40 डेज में आपको मिल जाता है। अगर आप जो है जितना जल्दी अप्लाई करोगे तो आपको जो है उतने जल्दी आपको मिल जाएगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होगा। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जितना जल्दी हो सकता है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो है बना लीजिए। तहसीलदार ऑफिस से जो ये आपको बन के मिल जाता है। मैक्सिमम 40 डेज लगते हैं बनने के लिए, एंड आपका जो एडमिशन प्रोसेस है ये 1.5 से 2 महीना जाएगा। कैपराउंड स्टार्ट होने के लिए भी बहुत समय है अभी, तो कैपराउंड स्टार्ट होने से पहले जो आप ट्राई कीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवा लीजिए। नेक्स्ट जो है नॉन क्रीमी लेयर, आपको NCL सर्टिफिकेट भी बनाना होगा अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो। नेक्स्ट जो है इनकम सर्टिफिकेट, एंड इनकम सर्टिफिकेट जो चाहिए आपका वो 2022-2023 ये एकेडमिक वाला चाहिए। जैसे कि आपको पता है मार्च में जो है फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, अप्रैल में जो है न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो अभी अभी जो है इस साल का आपको इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है, दैट इज 2022-23। जो आपका एडमिशन होने वाला है वो 2022-23 एकेडमिक ईयर होने वाला है। तो आपका इनकम सर्टिफिकेट भी जो है 2022-23 वाला लगने वाला है। ये हो गए ओबीसी एंड एसबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स। अभी नेक्स्ट जो है हम लोग SC ST VJ कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो उनको जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा
कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा एंड इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर कोई भी स्टूडेंट जो है ओपन कैटेगरी से बिलोंग करता है एंड उसको जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहता है, अभी इसमें जो है थोड़े क्राइटेरिया होते हैं। अगर आपकी एनुअल इनकम जो है लेस देन 8 लाख है तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। EWS जो होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EBC क्या होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, एंड TFWS क्या होता है ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम। अब ये जो है पूरा एक टॉपिक अलग है, डिफरेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। EBC क्या होता है, EWS क्या होता है, TFWS क्या होता है, इसके ऊपर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे जो आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। अब इसमें जो है कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, देखो सबसे पहला तो EWS सर्टिफिकेट लगेगा आपको, एंड इसको जो है हर साल आपको रिन्यू करना होता है। EWS सर्टिफिकेट जो आपका तहसीलदार ऑफिस से बन के मिल जाता है। नेक्स्ट जो है इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बैंक अकाउंट लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया आधार कार्ड में जो नंबर लिंक होगा वही नंबर जो है बैंक अकाउंट में भी लिंक होना चाहिए, तभी आपको जो है स्कॉलरशिप का अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, तभी आपको जो है स्कॉलरशिप का अमाउंट जो है मिल पाएगा। अदरवाइज आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट नहीं मिल पाएगा, आपको जो है आपके आधार कार्ड में वही नंबर लिंक करना है जो आप बैंक अकाउंट में नंबर लिंक करवाओगे। अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो आप ट्राई कीजिए कि आप नेशनल बैंक में ही अकाउंट ओपन करवाइए, जैसे SBI हो गया, यूनियन बैंक हो गया, देन उसके बाद नेशनल पंजाब बैंक हो गया, देन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे बैंक में आप जो है अकाउंट ओपन करवाइए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेशल रिजर्वेशन की, अगर कोई भी स्टूडेंट डिफेंस कोटा से बिलोंग करता है, अब डिफेंस में भी डिफेंस ओपन होता है एंड डिफेंस OBC होता है, तो आपको जो है उसका सर्टिफिकेट लगेगा, एंड PWD अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उनको जो है उनका सर्टिफिकेट लगेगा। अभी हम लोग रिपीटर स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जो स्टूडेंट्स ने इस साल गैप लिया है उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, जो भी मैंने अभी तक डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको लगने ही वाले, बस आपको जो है एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो कि है गैप सर्टिफिकेट। तो आपको जो है गैप सर्टिफिकेट लगेगा फॉर रिपीटर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की बात करते हैं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स वालों को ये 4 डॉक्यूमेंट जो है एक्स्ट्रा लगते हैं, 7/12 उतारा, क्रॉप साइंस, NCC सर्टिफिकेट एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ये 4 डॉक्यूमेंट जो है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स वालों के लिए लगते हैं जो कि एक्स्ट्रा 20 मार्क्स में जो है काउंट होते हैं। अगर आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट्स है तो आपको एक्स्ट्रा 20 मार्क्स दिए जाते हैं CET की तरफ से। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जितना जल्दी हो सकता है सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवा लीजिए। अगर आप एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है 4 डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपको 20 मार्क्स जो है CET सेल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट जो है जितना जल्दी हो सकता है आप अवेलेबल करवा लीजिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको लगने वाले आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए, तो जितना जल्दी हो सकता है सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप अवेलेबल करवा लीजिए। कैप राउंड स्टार्ट होने से पहले ट्राई कीजिए कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हो जाए। कैप राउंड में जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स सारे वेरीफाई किए जाते हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि कैप राउंड स्टार्ट होने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हो जाए। ऐसी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। आज का वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।